आज विपक्ष को घेरने वाला है। विपक्ष ने आज प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। और देखिए, मुंह में मास्क लगाया हुआ है और हाथों में सिलेंडर है। और ये दिल्ली विधानसभा की तस्वीर है, आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जहां बीजेपी के विधायक सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। विधानसभा का ये 3 दिवसीय सत्र, जिसके आज हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी आज प्रदूषण के मुद्दे को लेकर दिल्ली विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। और मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगाए हुए पहुंचे हैं, ऐसी क्या स्थिति आ गई, क्या तबीयत इतनी बिगड़ गई विपक्ष की जो इस तरीके से मास्क और सिलेंडर लेके आना पड़ा, ये जान लेते हैं। आलोक जो है हमारे साथ, हम लीजिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर और मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगाए हुए पहुंचे हैं, ऐसी क्या स्थिति आ गई, क्या तबीयत इतनी बिगड़ गई विपक्ष की जो इस तरीके से मास्क और सिलेंडर लेके आना पड़ा, ये जान लेते हैं। आलोक जो है हमारे साथ, हम लीजिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर और मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगाए हुए पहुंचे हैं, ऐसी क्या स्थिति आ गई, क्या तबीयत इतनी बिगड़ गई विपक्ष की जो इस तरीके से मास्क और सिलेंडर लेके आना पड़ा, ये जान लेते हैं। आलोक जो है हमारे साथ, हम लीजिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा की है। आपसे और बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? भारतीय जनता पार्टी ने तो मैसेज कन्वे कर दिया है कि आज किस मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरेंगे। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आज विधानसभा के अंदर विपक्ष के जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं, चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने ले रखा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष आज प्रदूषण को एक बड़ा मुद्दा बना करके सदन में हंगामा कर सकता है। यही वजह है कि जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी सदन के अंदर पहुंच गए हैं। और माना जा रहा है कि जब कुछ ही देर में सदन के अंदर चर्चा शुरू होगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से पॉल्यूशन को लेकर के एक बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके की तस्वीरें आज विधानसभा के अंदर विपक्ष की देखने को मिली हैं, उसको देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर दिल्ली विधानसभा का जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के मैं लौटता हूं, आता हूं आपके पास। दिल्ली रहने के लायक नहीं रही है, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, लाखों लोगों को खांसी है, गला खराब हो गया है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। और हाल ही में जो रिपोर्ट आई है 3 दिन पहले, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि दिल्ली शहर हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 सालों में DTC के लिए एक बस नहीं खरीद पाई, 15,000 बसें खरीदने की बात कही थी। दिल्ली में जो डीजल और पेट्रोल के जो वाहन चल रहे हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं, वो सबसे ज्यादा दिल्ली को प्रदूषित कर रही हैं। इसमें आप इसी तरीके से जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। डॉक्टर्स ने हमको कहा है कि भाई दिल्ली बहुत ज्यादा प्रदूषित है, दिल्ली की हवा जहरीली है, इसलिए आप अपने फेफड़े बचाइए। आप यदि आप लोगों ने इस तरह के उपाय नहीं किए, क्या मुद्दे आपके हाउस में होंगे प्रदूषण के अलावा? नहीं, प्रदूषण का मुद्दा है, दिल्ली के लोगों को गंदा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दिल्ली के लोगों को दी जा रही है, दिल्ली जल बोर्ड जो है
उसमें 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, डीटीसी में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ है, दिल्ली सरकार कह रही है उसमें भी 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीबीसी ने कहा है दिल्ली सरकार स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स बना रही थी उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार लगातार एलजी पर भी सवाल उठा रहा है। देखिए वो क्या सवाल उठा रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अरविंद केजरीवाल ये जवाब देना पड़ेगा कि 1,000 करोड़ रुपए के जल बोर्ड में, डीटीसी में, स्कूल्स में और दिल्ली सरकार जो घोटाले हुए हैं, एक्साइज पॉलिसी में जो 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसका जवाब आपको विधानसभा में देना पड़ेगा। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है, इसका जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, आज स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, आज दिल्ली के 70% स्कूल्स में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है, आज दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ी हुई है, उनमें दवाई नहीं है, जो हमारे डीटीसी में मार्शल्स हैं उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, जो डीटीसी में जो कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं उनको पेंशन नहीं दी जा रही है, जल बोर्ड के सारे कार्य बंद हो गए हैं, यमुना की सफाई के लिए जो 2,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया आज उस पैसे का कुछ अता पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ चला गया है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022-2023 का रोजगार बजट होगा, 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अरविंद केजरीवाल बताएं कि एक साल के अंदर क्या 20 लोगों को रोजगार दिया? उन्होंने कहा हम 5 दिल्ली के बाजारों को, जो 5 बड़ी मार्केट्स हैं, उनको रीडेवलप करेंगे। क्या एक भी मार्केट को वो रीडेवलप कर पाए? 400 करोड़ रुपया रखा था, 4 पैसा भी वो एक साल में खर्च नहीं कर पाए, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है। सरेंडर और मास्क यार, एक विजुअल लेने दो। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी आज बन चुकी है। केजरीवाल साहब और तो कुछ काम कर नहीं पा रहे, दिल्ली के रहने वाली जनता को कम से कम हवा में जीने लायक साफ स्वच्छ हवा उपलब्ध कराएं। तो हम मांग करते हैं केजरीवाल जी से कि सभी को इस तरह के ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर दिए जाएं, जिससे कि लोग दिल्ली में शुद्ध हवा में सांस ले सकें। चुनकर आते हैं लक्ष्मीनगर की हवा तो वाकई प्रदूषित है, क्या इसलिए आपको ये हर दिल्लीवासी की यही हालत है? केजरीवाल जी इस बात को बताएं कि 8 साल में दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड शहर कैसे बनी, और ये जो ऑक्सीजन है आज लोगों की मजबूरी हो गई है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। इसलिए हम आज विधानसभा में लेके आए हैं कि केजरीवाल जी के नींद खुले और लोगों को फ्री में एक एक सिलेंडर भी